हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप कैमिकल कनैटिक्स पढ़ रहे हैं यूनिट फोर्थ, जिस मैं तुम्हें दस्या से भी कैमिकल कनैटिक्स की हैगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ कैमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इनफ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि चीज़ों बारे डिस्कस कर देगी। कैमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन, सैकेंड वन इज़ द मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स, एंड थर्ड वन इज़ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप यूनिट के यही तीन चीज़ों बारे आप डिस्कस करना बेटा। तो आप फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, नाउ वट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन की दस्या तो रेट ऑफ रिएक्शन की होंगे गा, इट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की होंगे गा बेटा, इट इज़ द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जिस आप रेट लिखना सीख रहे थे कि रेट नूं आपां मैथमैटिकली किदां लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि एक आप सिंपल एग्जाम्पल दा मैं तुहानूं रेट समझाया सीगा। ठीक है, कि जस्ट अपने कोल सपोज इस दे विच एग्जाम्पल लैने आ, ए प्लस बी इट गिव्स द सी। ए रिएक्शन दा आपां रेट किदां लिखांगे बेटा, डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू द डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, दैन इज इक्वल टू द डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी। हुण की पॉइंट दसे से मैं तुहानूं, भी एक तो इक्वल टू द साइन रखना, एक तुहानूं दसिया से भी जिहड़े रिएक्टेंट होणगे उन्हां दे अगे की पाउणा, माइनस पाउणा। ठीक है, उन्हां दे रेट अगे की पाउणा बेटा, माइनस पाउणा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन डिक्रीज होंदी आ। ते प्रोडक्ट्स दे रेट अगे की पाउणा बेटा, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन की होंदी आ, इनक्रीज होंदी आ। ठीक है, तो यह तो सीगा मेरे को एक सिंपल रिएक्शन का रेट लिखना। ठीक है, जिस दे विच अपने कोई स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट नहीं है। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट वाली रिएक्शन का रेट किदा लिखा जाता, तो स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट वाली रिएक्शन का रेट लिखने तो पहले तो पता होना चाहिए भी स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट होंदा की आ, कहिंदे कि इहनूं आपां स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट। तो बेसिकली बेटा देखो, जिदा आपां हुण इत्थे रिएक्शन का रेट लिखना स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट दे नाल लिखदे हां। सपोज तुहाडे कोल ए प्लस बी दिता होया, इट गिव्स टू सी। जिदा तुसी रिएक्शन बैलेंस करने वास्ते अगे टर्म्स यूज़ करते हुए ना आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देने हुए कि जिदा ये टू आ गया बेटा, टू नूं आपां की कहांगे, स्टोकियोमेट्रिक ऑफिशेंट कहांगे। ठीक है, हुण सपोज तुसी ये रिएक्शन का रेट लिखना, रिएक्शन का रेट आपां किदां लिखांगे पुत्तर, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, दैन इक्वल टू द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैन अगेन इज इक्वल टू द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हुण देखो सी दे अगे की हैगा, टू आ, दैट मीनस इहदा इसते आपां की करांगे, कंसनट्रेशन नूं इत्थे टू दे नाल मल्टीप्लाई करांगे। रिएक्टेंट्स ने तो अपने कोल इहनां दी कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट्स ने इसकी कंसनट्रेशन की हो रही है, इनक्रीज हो रही है। हुण पॉइंट ध्यान नाल समझण वाला देखो, एक बारी तो मैं तुहानूं कहा सीगा कि आपां रेट हमेशा रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट्स का की रखना, इक्वल रखना। ठीक है, इक्वल रखना इन द सेंस भी जिन्ने रिएक्टेंट घट रहे ने उन्ने ही अपने कोल प्रोडक्ट्स की हो रहे ने, इनक्रीज़ हो रहे ने। ठीक है, हुण जिन्ना ए डिक्रीज़ होगा उन्ना बी डिक्रीज़ होगा, उन्ना सी इनक्रीज़ होगा, उन्ना ही सी इत्थे अपने कोल बन के आऊगा। ठीक है, तो हुण देखो राजे, अपने कोल ए जिन्ना डिक्रीज़ होया, ठीक है, उन्ना ही बी की होया डिक्रीज़ होया, बट जिहड़ा सी सीगा उस तो डबल टाइम्स बन के आ गया, जिहड़ा सी सीगा उस तो की बन के आ गया, दुगना बन के आ गया। ठीक है, तो एक पास तो आप कह रहे हैं कि ए ते बी सी इन्हों का जो रेट है वो कि होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट जे मैं इतने स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग देखा तो रेट बी का ये की हो गया डबल हो गया, जा ए का ये रेट की हो गया डबल हो गया, इट मीनस इतने रेट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यही केस में आप कर सकते हैं कि सारी रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स का रेट इक्वल रखने वास्ते जां तां आपां की करिए कि इहनू भी टू नाल मल्टीप्लाई कर दिए, इहनू भी टू नाल मल्टीप्लाई कर दिए, फिर तो सारे का रेट की हो जाना, इक्वल हो जाना। ठीक है, जां फिर आपां की करिए इहनू सारे नू टू दे नाल की कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है जी, तो इन्हां सारे नू आपां टू दे नाल अगर डिवाइड कर दिए तां वी अपना रेट की हो जाना, इक्वल हो जाना। ठीक है, मतलब रेट आपां टू नाल की कर देंगे, इत्थे कैंसल कर देंगे। ठीक है, सी नू आपां टू दे नाल डिवाइड करांगे, सारिया नू नहीं, सी नू आपां किस नाल डिवाइड कर देंगे, टू नाल डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखो पुत्तर, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के केस विच आपां रेट नू किदां लिख सकते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू द माइनस कंसनट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू द, इहनू आपां किदां लिख देने, वन बाय टू डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ सी दैन डेल्टा टी। ठीक है,
तो हूँ जिन्ना इतने अपने टू लिखा होया मतलब मीनस जिन्ना भी स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट होगा तुम्हें की करना उन्होंने वो डिवाइड कर देना ता जो अपने को सारे रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स का रेट की हो जाए इक्वल हो जाए समा लगी ठीक है। तो हूँ जिन्हें भी स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट्स का आप रेट लिखना तो उन्होंने की कर देना जिन्ना भी अपने को स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट होगा उन्ने के नाल ही आप कर देना इतने डिवाइड कर देना। ओके हूँ आप नैक्सट कोई एग्जाम्पल लैके कर देंगे इसकी ठीक है। एग्जाम्पल सपोज अपने को है बेटा 2N2O5 इट गिव्स 4NO2 + O2 ठीक है। सपोज मान लो आप रिएक्शन का की लिखना इतने रेट लिखना ठीक है जी। तो हूँ इसका रेट कि लिखेंगे बेटा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम ओके इज इक्वल टू किस इक्वल बेटा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम इधर रेट किस इक्वल होगा चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम ठीक है। तो हूँ देखो ये अपने को ने गए रिएक्टेंट्स इतने स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट कि अपने को 2 आ तो इट मीनस इतने आप करा 2 के नाल डिवाइड कर देंगे ठीक है। माइनस मैं तो पाया क्योंकि रिएक्टेंट्स ने इन्हें कंसनट्रेशन डिक्रीज होनी है इतने स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट कि बेटा 4 तो इतने आप करा 1/4 के नाल डिवाइड कर देंगे ठीक है। तो इतने माइनस पैना या प्लस तो दसो ये कि ने प्रोडक्ट्स ने इतने अपने को प्लस पैना अगेन ओट के अगे कोई अपने को स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट नहीं है तो इन आप एस सच लिख देंगे समझ लगी। तो जिन्हें भी स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट्स वाली रिएक्शन आएंगे बेटा तो उसे स्टोक जिन्ना भी अगर स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट पाया होगा उन्हें नाल ही आप कर देंगे डिवाइड कर देंगे क्लीयर है चीज़ ठीक है। तो आप किसी भी रिएक्शन का जो रेट है स्टोकोमेट्रिक ऑफिशेंट के नाल आप इस फॉर्म के लिख सकते हैं ठीक है। फिर हूँ तुम नैक्सट मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिनी हाँ मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दसना ठीक है। उसका आंसर की आ रहा बेटा सपोज अपने को कोई भी रिएक्शन आ लाइक से एग्जाम्पल आप अमोनिया वाली रिएक्शन ले लें नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन इट गिवज 2 moles ऑफ अमोनिया तुम पढ़ के भी आए हो हैबर्स प्रोसैस के अमोनिया की प्रैपरेशन की रिएक्शन हैगी बेटा। तो इसका रेट किदा लिखोगे तुम यदि प्रैक्टिस करके देखनी है ठीक है मतलब खुद करके देखनी है इसकी। नैक्सट हूँ थोड़ी जी आप होर डिटेल करते हैं रेट बारे तो रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्लेन करिए रजे तो इसके टाइप्स में एक्सप्लेन करिए इससे 2 types हो गया रेट ऑफ रिएक्शन दाइप्स टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन तो क्लीयर है ना। रेट ऑफ रिएक्शन की दैट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन ठीक है। नैक्सट आप कर रहे हूँ इन्हें टाइप्स ये बेसिकली 2 types होंगे ने बेटा एक होंगे एवरेज रेट एंड सैकेंड वन इज़ द इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट तो इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो जिदा देखो एवरेज रेट तो इंस्टेंटेनियस रेट कि डिफरेंस होंगे अगर तुम एवरेज स्पीड बारे पढ़िया होगा तो मैं 1/1 डिटेल से दस दी बेटा ठीक है। एवरेज रेट नाउ वट इज एवरेज रेट सैकेंड वन इज द इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखो सब तो पहले तो आप एवरेज रेट की गल करते हैं ये पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिनी हाँ फिर तुम्हें होर भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जानी है। देखो रेट में आप कि डिनोट करते हैं कि रेट बेसिकली होंगी की है जी इट इज़ द स्पीड रेट की होंगे कि बेसिकली किसी भी रिएक्शन की स्पीड होंगी है। हूँ आप जे एवरेज रेट की गल करिए जे मान लो सपोज तुम एवरेज स्पीड पढ़ के आए हो एवरेज स्पीड तो एवरेज स्पीड में आप किस तरह लिखांगे सपोज अपने कोई भी बस आ जा कोई भी वहीकल आ ठीक है पॉइंट ए तो चली बेटा ठीक है कितने पहुंची अपने को पॉइंट बी दे ठीक है पॉइंट ए तो चली तो पॉइंट बी दे सपोज मान लो उन्हें टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर कवर किया ठीक है तो किन्ने मिनट्स के 5 मिनट्स के ठीक है 5 मिनट के अपने कोई भी बस आ ठीक है तो वह 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है किन्ने मिनट के बेटा 5 मिनट्स के मीनस आप टोटल स्पीड देखांगे उसकी पॉइंट ए तो बी तक पहुँचने वास्ते उसकी टोटल स्पीड कि आ गई अपने को टोटल डिस्टेंस किन्ना कवर किया तो किन्ने टाइम के कवर किया ठीक है। मीनस इतने भी आप रिएक्शन की गल करिए रिएक्शन आप एवरेज स्पीड में किस तरह लिखांगे एवरेज स्पीड की इट इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर द टाइम इंटरवल ठीक है। तो किदा लिखांगे इट इज़ द चेंज इन कंसनट्रेशन ओवर द टाइम इंटरवल
time interval, over the time interval. Means 5 मिनट के विच उन्हें कितनी स्पीड चेंज की ओवर द टाइम इंटरवल मीनस टोटल अपने को कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई तो इन आप किस तरह लिखांगे बेटा चेंज इन कंसंट्रेशन रेट इज इक्वल टू द चेंज इन कंसंट्रेशन मैं चेंज इतने डेल्टा के नाल लिख रही हूँ कंसंट्रेशन ऑफ आप कोई भी एक्स लै लें ठीक है मीनस जिससे की हो रही है कि अपने को कंसंट्रेशन चेंज हो रही है ओवर टाइम डेल्टा टी ठीक है हुण नैक्सट रेट समझो बेटा इंस्टेंटेनियस अगर किसी पॉइंट ए तो लैके ठीक है कोई भी अपने को बस जा रही है पॉइंट बी तक मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की गल कर रही हूँ ठीक है तो यह तो नहीं होगा कि अगर 10 किलोमीटर के बस मूव कर रही है तो वोद थ्रू आउट द 10 किलोमीटर जी बस की स्पीड आ गई सेम रहनी है ठीक है तो हर बार की होनी है स्पीड चेंज होनी है सपोज मान लो आप पटियाले तो कितने जा रहे हैं बेटा चंडीगढ़ जा रहे हैं ठीक है हुण जो पटियाले तो चंडीगढ़ जा रहे हैं तो जी बस की स्पीड आ गई वह थ्रू आउट द रूट सेम तो नहीं रहेगी ठीक है स्पीड की होनी है चेंज हो ही जानी है सपोज अपने को पटियाले तो राजपुरा तक स्पीड फास्ट आ राजपुरा तो जीरकपुर तक अगेन स्पीड अपने को होर भी ज़्यादा फास्ट होगी ठीक है दैन जीरकपुर तो ट्रिब्यून चौंक तक स्पीड की होनी है स्लो होनी है ट्रिब्यून चौंक तो 43 तक स्पीड होर भी स्लो होगी मीनस अगर आप थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल बाद चैक करिए ठीक है तो स्पीड की हो रही है कि थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल बाद की हो रही है चेंज हो रही है ठीक है तो उदा ही सेम जिदा अपने को रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के स्टार्टिंग तो अपने को पहला स्पीड की होंगी फास्ट होंगी है दैन हौली हौली स्पीड की होनी हो जाती है शुरू मतलब हौली हौली जी स्पीड होंगी वो स्लो होना शुरू हो जाती है ठीक है तो इंस्टेंटेनियस रेट के होंगे गा बेटा आप थोड़े थोड़े टाइम बाद सपोज आप 1 मिनट बाद ठीक है 1 मिनट कह लो या फिर 30 सैकेंड्स कह लो कुछ भी टाइम कह लो ठीक है कि इंस्टेंट टाइम बाद जी आप रिएक्शन की स्पीड न चैक करते हैं इंस्टेंट का मीनिंग तो समझते हो इंस्टेंट का मतलब होंगे गा बहुत थोड़ा टाइम ज कुछ क पलों बाद ठीक है इंस्टेंट का मतलब होंगे बेटा कुछ क पल बाद जी रिएक्शन की आप स्पीड चैक करते हैं रेट चैक करते हैं आप कहे इंस्टेंटेनियस तो कुछ क थोड़े थोड़े टाइम बाद रिएक्शन की स्पीड न चैक करना ठीक है आप कहे इंस्टेंटेनियस रेट ठीक है तो इतने आप इंस्टेंटेनियस रेट में किस नाल डिनोट करा स्मॉल डी नाल इतने आप डेल्टा यूज़ करते हैं ना इतने आप डेल्टा नहीं यूज़ करना इतने आप यूज़ करना स्मॉल डी तो स्मॉल डी दे विच आपां की कहांगे स्मॉल डी चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम ठीक है तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा बहुत थोड़े टाइम बाद रिएक्शन का रेट चैक करना ठीक है इतने आप कहने कि पूरी रिएक्शन किन्ने टाइम कंप्लीट होगी ठीक है भी फुल रिएक्शन आप पूरा टोटल टाइम के चैक करते हैं इतने आप कुछ क सैकेंड्स के बाद आप रिएक्शन का रेट चैक करते हैं ठीक है तो बेसिक डिफरेंस आ बेटा एवरेज रेट तो सॉरी एवरेज रेट हाँ एवरेज रेट तो इंस्टेंटेनियस रेट का ओके तो इंस्टेंटेनियस रेट के आप स्मॉल डी यूज़ करना इतने भी स्मॉल डी यूज़ करना बेटा ठीक है तो एवरेज रेट के यूज़ करना डेल्टा यूज़ करना ओके तो यह एवरेज रेट तो इंस्टेंटेनियस रेट दो टाइप्स नहीं गए किसी भी रिएक्शन के रेट में एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है तो हुण आपां इस दे की करदे नैक्सट एवरेज रेट लिखना ठीक है किसी भी रिएक्शन का एवरेज रेट सपोज अपने कोई रिएक्शन है जी 4NH3 अगर तुहानू तो रिएक्शन का रेट लिखना आ गया तो न्यूमेरिकल्स में बहुत ईजी सॉर्ट आउट कर सकते हो क्योंकि बेसिकली ये यूनिट के बेटा अपने को न्यूमेरिकल्स आने के ज़्यादा चांसिस ने ठीक है 4NO+6H2O तो हम देखो मैं रिएक्शन का रेट लिख के दिखाने थोनू एवरेज रेट भी तो इंस्टेंटेनियस रेट भी पहला आप कि रेट लिखते हैं बेटा एवरेज रेट तो एवरेज रेट ना किस लिखते हैं डेल्टा के नाल डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 दैन उस बाद डेल्टा टी हूँ स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ बेटा 4 तो 1/4 कर देंगे रिएक्टर ने तो आप पा देंगे माइनस पा देंगे इज इक्वल टू बहुत ध्यान लिखना इसका रेट 1/5 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 चेंज इन टाइम तो रिएक्टेंट्स ने तो माइनस पा देंगे ठीक है नैक्सट अपने को आ रहा 1/4 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्रोडक्ट्स ने तो प्लस पा रहे हैं इज इक्वल टू 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डेल्टा ठीक है दैन उस बाद चेंज इन टाइम प्रोडक्ट्स ने बेटा तो इतने पा की पा रहे हैं प्लस पा रहे हैं ठीक है प्लस पाओ या ना पाओ ए सच कोई फैक्टर नहीं पैदा है क्योंकि अंडरस्टूड अगर कोई सिंबल नहीं है तो प्लस ही होगा ठीक है
बट माइनस पाना कंपलसरी है इतने, ठीक है जी। तो यह अपने को एवरेज रेट आ। हुण यही रिएक्शन का जे मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखा, इंस्टेंटेनियस रेट तो हुण मैं तुहानू की दस्सिया सी भी इंस्टेंटेनियस रेट दे विच की हुंदा, आपां कुछ क सैकेंड्स बाद आपां रिएक्शन का रेट चैक करदे आ। तो उस दे लई बेटा आपां जिहड़ा सिंबल यूज़ करना और डेल्टा नहीं यूज़ करना, क्योंकि डेल्टा हुंदा लार्ज चेंज लई, ठीक है। डेल्टा किस लई हुंदा? लार्ज चेंज लई। तो स्मॉल डी किस दे लई हुंदा बेटा? वैरी स्मॉल चेंज। तो इत्थे आपां डेल्टा की जगह पर की यूज़ करांगे? स्मॉल डी यूज़ करांगे। ओके, अगेन 1/5 इत्थे क्या जाऊगा अपने कोल? डी ओ टू, अगेन इत्थे भी डी टी, दैन 1/4 प्लस इत्थे भी की आ जाना? डी एन ओ नाइट्रिक ऑक्साइड डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू द, अगेन इत्थे भी की आ जाना अपने कोल? प्लस 1/6 डी एच टू ओ डिवाइडेड बाई डेल डी टी, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंस देखो, मैं दोनों रिएक्शन का रेट लिखा, मेरे लिखण का मोटिव यही सीगा कि तुसी डिफरेंस फाइंड आउट कर सको। डिफरेंस ये की है बेटा? इतने आपां डेल्टा यूज़ करना हुंदा, तो इंस्टेंटेनियस रेट दे विच आपां समॉल डी यूज़ करना हुंदा। क्लीयर है ना कॉन्सैप्ट? ठीक है, एवरेज रेट तो इंस्टेंटेनियस रेट नूं लिखण दा ये तरीका, ठीक है जी। हुण उस तों बाद नैक्सट आपां इस ते की करदे आ? न्यूमेरिकल्स करदे आ। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट ने बेटा। तो पहले मैं तुहानूं कुछ एग्जाम्पल्स दस्सी इत्थे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। फिर उस तो बाद आपां इन्हां सॉर्ट आउट करांगे न्यूमेरिकल्स नूं, फिर कुछ न्यूमेरिकल तुसीं खुद ट्राई करने ने, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखो बेटा अपने कोल, न्यूमेरिकल्स सारे न्यूमेरिकल्स आपां इस दे नाल नाल करी जावांगे। न्यूमेरिकल्स दे विच देखो, फोर द रिएक्शन, सपोज अपने कोई भी रिएक्शन आ, फोर द रिएक्शन, रिएक्शन लै लैने बेटा आपां नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, इट गिव्स 2NH3, इट गिव्स 2NH3। द रेट ऑफ रिएक्शन मैजर्ड, द रेट ऑफ रिएक्शन मैजर्ड, रेट ऑफ रिएक्शन मैजर्ड किस दा रेट दिता होएगा अपन? रेट ऑफ रिएक्शन मैजर्ड अमोनिया दा, ठीक है। अमोनिया दा रेट दिता होएगा बेटा डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी इज वॉज फाउंड टू बी किन्ना रेट दिता होएगा बेटा इस आपां नूं? 2.4 × 10⁻⁴, 2.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सैकेंड। दैन कैलकुलेट द रेट, कैलकुलेट द रेट इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। मीनस अपने कोई रिएक्शन चल रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर अमोनिया बना रहे हैं, जिस दे विच इन्हां ने अमोनिया का रेट दिता होया किन्ना बेटा? 2.4 × 10⁻⁴ यूनिट्स। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा लास्ट लैक्चर विच मोल पर लीटर पर सैकेंड्स हुंदियां ने, ठीक है। तो आपां ने किसका रेट कैलकुलेट करना? नाइट्रोजन ते हाइड्रोजन का। सब तो पहले तुसीं की करना हुंदा, बहुत ईजी ने न्यूमेरिकल्स ये, सब तो पहले तुसीं की करना हुंदा कि ये रिएक्शन का रेट लिख लो, ठीक है राजे। तो देखो नाइट्रोजन इसका आपां रेट किदां लिखांगे? डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। रिएक्टर ने तो माइनस पा देंगे, इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इतने तुम डी भी यूज़ कर सकते हो, डेल्टा भी यूज़ कर सकते हो, आंसर दे विच कोई फर्क नहीं पैना है राजे। तो हुण देखो अपने को तिने रिएक्शनस, तिने की ने गए रिएक्टेंट्स ते की है प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो हुण इत्थे तुहानूं जिहदा रेट दिता होया, सपोज अमोनिया दा रेट तुहानूं दिता होया, तो जिसका रेट तुसीं फाइंड आउट करना उन रेट नूं की कर लोगे? तुसीं इक्को लिख लेना, ठीक है। हुण समझो ध्यान नाल मेरे कहण दा मोटिव की हैगा, जिवें तुहानूं अमोनिया दा रेट दिता होया तो तुहानूं पुछया किहदा होया? नाइट्रोजन दा ते हाइड्रोजन दा, ठीक है। आपां 1/1 फाइंड आउट करांगे, नाइट्रोजन दा फाइंड आउट करांगे, फिर आपां हाइड्रोजन दा फाइंड आउट करांगे। हुण देखो बेटा तुहानूं इत्थे अमोनिया दा रेट दिता होया, ठीक है, किन्ना दिता होया? 2.4 × 10⁻⁴, तो फाइंड आउट आपां किहदा करना? पहला नाइट्रोजन दा करदे हां, ठीक है। पहला जिहड़ा रेट दिता होगा उन्होंने आपां की कर लाँगे? इक्को लिख लाँगे, ठीक है। तो देखो नैक्सट स्टैप दे विच नाइट्रोजन दा रेट कैलकुलेट करना जी, ठीक है। तो किसका रेट दिता होया अपन? अमोनिया दा रेट।
1 by 2 delta NH3 upon delta T. जिस दा रेट फाइंड आउट करना तो जिदा पर रेट दिता होगा उन्होंने आप की कर लेंगे इक्को लिख लेंगे ठीक है। इतने आप हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे क्योंकि आप हाइड्रोजन का फाइंड आउट नहीं करना पर नैक्सट स्टैप के करा तो देखो नैक्सट स्टैप के होगा नाइट्रोजन का रेट मैं फाइंड आउट करना डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अमोनिया का रेट कि दिता होगा देखो डेल्टा एन एस थ्री अपॉन डेल्टा टी कि दिता होगा बेटा इस अमोनिया का रेट इन टू 2.4 10 दी रेस टू पावर माइनस 4 इंटू 2.4 10 दी रेस टू पावर माइनस 4 तो अपने को रेट कि आ जाना इतने नाइट्रोजन का एन टू डेल्टा टी इज इक्वल टू कि आ जाना बेटा 1.2 इंटू 10 दी रेस टू पावर माइनस 4 तो आ गया जी अपने को रेट किसका नाइट्रोजन का ठीक है। हुण इतने यदा मतलब यही है भी तुम माइनस पे तो माइनस में इधर ले जाओ ठीक है। कई बच्चों के माइंड भी आ रहा होगा एक्चुअल दे विच माइनस आ जिहड़ा तुहाडा मैथमैटिकल वाला माइनस नहीं हैगा ठीक है। भी तुसीं ओह जिहड़े टर्म्स दे अगे माइनस हुंदा होगा बेटा इत्थे माइनस की रिप्रजेंट कर रहे हैं भी ये रिएक्टेंट्स ने ते रिएक्टेंट्स दा रेट की हो रहा डिक्रीज हो रहा ठीक है। इत्थे माइनस दा मीनिंग यह है तो वैल्यूज़ अगे नहीं आना है माइनस कदे भी रेट का आंसर माइनस नहीं आऊगा क्योंकि रिएक्टेंट्स जिहड़ा रेट हुंदा ओह कदे डिक्रीज नहीं होगा समा लग ही रहे मतलब रिएक्शन की कोई ना कोई स्पीड हमेशा होंगी है ताइयों रिएक्शन जिहड़े रिएक्टेंट्स ने कन्वर्ट होंगे ने प्रोडक्ट्स के तो ये अपने को नाइट्रोजन का अपने अमोनिया का रेट फाइंड आउट किया नाइट्रोजन के नाल ठीक है राजे हुण सॉरी आपां नाइट्रोजन का रेट फाइंड आउट किया अमोनिया का रेट आपां नूं पता सी हुण आपां हाइड्रोजन का रेट फाइंड आउट करते हैं अमोनिया का रेट आपां नूं दिता होया ठीक है। तो हुण जिहड़ा रेट आपां ने फाइंड आउट करना वह तो जिहड़ा आपां नूं दिता होया आपां दोवें की रख लाँगे इक्वल रख लाँगे ठीक है। तो नैक्सट रिएक्शन दे विच देखो बेटा नैक्सट रिएक्शन दे विच 1/3 डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एन एच थ्री अपॉन डेल्टा टी ठीक है। हुण आपां नूं ए वाला रेट की है राजे आपने फाइंड आउट करना ठीक है। तो ये आपां नूं दिता होया हुण इस दे विच देखो आपने डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी ठीक है। इसका जिहड़ा स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपां उधर लै जाने आ ठीक है। उधर जाके की हो जूगा 3/2 तो एन एच थ्री का रेट कितना दिता होगा बेटा अपन 2.4 इंटू 10 दी रेस टू पावर माइनस 4 2.4 इंटू 10 दी रेस टू पावर माइनस 4 तो इसका रेट अपने को कितना आ जाना गा बेटा दैट इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10 दी रेस टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सैकेंड यूनिट्स याद रखियो यूनिट्स तुसी नाल ही लिखनिया ने गया। ये अपने को किसका रेट आ गया हाइड्रोजन का एच टू अपॉन डेल्टा टी माइनस तुसी ए सच रखना क्योंकि तो मतलब की है कि जो रेट है वह की हो रहा डिक्रीज हो रहा ठीक है जी। उस बाद नैक्सट एग्जाम्पल कर देंगे आप नैक्सट एग्जाम्पल तुसी खुद ट्राई करके देखनी है बेटा आंसर मैं तुहानू दस दिनी हाँ कि अपने को अमोनिया एंड ऑक्सीजन रिएक्ट एट हाई टैंपरेचर अमोनिया तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एन एच थ्री प्लस 5O2 दैन इट गिव्स द 4NO प्लस 6H2O ठीक है। नैक्सट न्यूमेरिकल कर दें बेटा आप ठीक है। इस तुहानू इदा कोई रिएक्शन दी हुई हैगी तो इस विच तुसी रेट फाइंड आउट करना कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ठीक है। मीनस रेट ऑफ फॉर्मेशन किसका कैलकुलेट करना गा आपां ने कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैलकुलेट करना। नैक्सट अपन ने होर की कैलकुलेट करना गा बेटा इस दे विच ते रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ अमोनिया मतलब वाटर का रेट फॉर्मेशन क्यों लिखा क्योंकि प्रोडक्ट्स ने ठीक है। डिसअपीरियंस आप अमोनिया की हो रही है इससे डिसअपीयर हो रही है घट रही है रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ अमोनिया ठीक है। दैन नैक्सट अपने को है रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ अमोनिया तो फॉर्मेशन ठीक है। आपू कैलकुलेट की दिता की होगा बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है। रेट ऑफ
formation, rate of formation of nitric oxide. Nitric oxide का formula पता सबनों कि यह गया NO. Nitric oxide की नू कहने rate of formation of nitric oxide is किन्ना दिता होगा बेटा अपन 3.6 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सैकेंड. ठीक है जी. तो हूँ अपन नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट दिता हुआ फाइंड आउट किदा करना अपने अमोनिया का ते वाटर का. ठीक है. तो तुसी की करो पूरी रिएक्शन का रेट लिख लो. ठीक है. जिसका तुहानू दिता होएगा सपोज तुहानू नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट दिता हुआ तो पता किदा करना तुसी अमोनिया का रेट तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट की लिख लो इक्वल लिख लो. ठीक है. तो जस्ट इस स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज कर देने. ठीक है. मैं एक तुम्हें एक इतने दस दिनी बेटा जिदा अपने अमोनिया का पूरी रिएक्शन का पहला रेट लिख लियो. ठीक है. तो अमोनिया का अपने रेट इतने अपने को डेल्टा NS3 अपॉन डेल्टा टी 1/4 इज इक्वल टू नाइट्रिक ऑक्साइड का रेट दिता होगा 1/4 डेल्टा NO अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. तो 4 उस तरफ चला जाना 4 नाल 4 कैंसल हो जाना तो जिन्ना नाइट्रिक ऑक्साइड का अपने इतने रेट दिता होया उन्ना ही किसका होना अमोनिया का होना. उदा ही सेम तुसी इतने इस वैल्यूज पुट कर लोगे. ठीक है. सैकेंड तुहानू की कहा गया रेट ऑफ डिसअपीरियंस ऑफ अमोनिया. ठीक है. अमोनिया का अपने कैलकुलेट कर लिया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. हूँ वाटर का रख लो रे जी वाटर आप कि लिखा 1/6 प्लस आजूगा अपने को रेट H2O अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू किसका फाइंड दिता होएगा अपन नाइट्रिक ऑक्साइड का 1/4 NO अपॉन डेल्टा टी. ठीक है. तो इतने अपने वाटर का कैलकुलेट करना तो 6 नू इधर ले जाओ 6/4 हो जाना तो नाइट्रिक ऑक्साइड की जिनी वैल्यू दिती होगी तुसी वैल्यू पुट कर दोगे. ठीक है जी. तो इन दोनों का रेट का किन्ना आंसर आ रहा है बेटा अपने को अमोनिया का डिसअपीरियंस तो वाटर का फॉर्मेशन का आंसर तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के लिख के दसना. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू बेटा.